हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए रक्षाबंधन स्पेशल ये वीडियो लेकर आ रही हूं। उम्मीद आपको पसंद आएगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से देखना। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी सी ये राखी है। इसको आप बहुत ही आसानी से घर पर थोड़ी सी ऊन से, 2 ग्राम ऊन से भी कम ऊन में आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये ऑरेंज और ये क्रीम कलर के 2 धागे में बनाई है। अब मैं मरहून और ये ऑरेंज 2 रंग में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं ये वाला धागा ले लेती हूँ। आपकी मर्जी, चाहे तो आप ये वाले ले लें, चाहिए कोई भी सा भी आप ले सकते हैं इस तरह से। अब हम एक मैजिक रिंग लगाएंगे ऐसे, ये। और ये मैं बता दूं, 2 प्लाई ऊन है और ये है 2.5 नंबर का क्रोशिया। यहाँ से इस तरह से हम चैन बनाएंगे। एक चैन लेंगे यहाँ पर, ये एक चैन लेने के बाद अब हम यहाँ पर 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आप डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरह। यहाँ पर हम एक हमने 1/2 डबल क्रोशिया बनाए, अब ये डबल क्रोशिया, तो टोटल हम यहाँ पर 7 फंदे बनाएंगे। 1 1/2 डबल क्रोशिया और 2 6 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम यहाँ पर और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 3 लूप हो गए, 3 4 5 6 7। टोटल हमने यहाँ पर 7 लूप बना लिए। अब हम दूसरा धागा यहाँ पर चेंज करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे लंबा करके। अब जो हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो। अब हम ये दूसरा वाला धागा लेंगे, इसमें इस तरह से एक नॉट लगाएंगे। सबसे पहले ये हमारी मोटी ऊन है, ये हमारी पतली ऊन है, तो मैं ये 2 धागे एक साथ बुनूंगी। इस तरह से हम एक गांठ लगाएंगे, अब इस मैजिक रिंग में से ही इस तरह से, चाहे तो आप ऐसे ले सकते हैं ये, इस धागे को हम इसी रिंग में पकड़ेंगे और इस तरह से एक चैन बनाएंगे। ऐसे अब हम यहाँ पर 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने ऑरेंज कलर के धागे में बनाए सेम तरीके से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इसको हल्का सा टाइट करेंगे ये वाला धागा जो रिंग वाला है। अब 2, फिर से 3 4 5 और ये 6, एक और बनाएंगे। टोटल यहाँ पर हमें 7 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए हैं ये। अब जो हमारा ये वाला धागा, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब जो ये वाला रिंग वाला हमारा धागा, इसको हम टाइट करेंगे इस तरह से, ये ऐसा आ गया। ये टाइट करने के बाद जो हमने यहाँ पर ये 1/2 डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें ये और इस धागे को हम इस तरह से बुनेंगे साथ ही इसके ऐसे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 फिर वापस से 2। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस धागे को हम इसी के साथ बुनाई करेंगे। फिर अगले वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 7 लूप थे, तो 7 में हम 2-2 करते हुए 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। वापस से इस तरह से 2 2 4 2 6 2 8। अब इनको हम बाद में बनाएंगे, यहाँ पे इतना धागा हम छोड़ेंगे इसको, ये। और ये वाला धागा चाहे तो यहाँ पे टाइट करके इसको कट कर सकते हैं, चाहे आगे तक आप बुनाई कर सकते हैं। मैं इसको कट कर दूंगी इस तरह से। अब हम ये वाला धागा उठाएंगे यहाँ से। अब जैसे हमने यहाँ पर पहले वाली चैन में जो हमने 1/2 डबल क्रोशिया बनाया उसी में 2 डबल क्रोशिया बनाए, वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे
पहले जो हाफ डबल क्रोशिया था उसी में चैन में दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर से अगले वाले में इस तरह से। अब यहाँ पर हम चौथे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए, यानी कि सात फंदों में हम चौदह डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह से। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। फिर यहाँ पर इस तरह से एक दो तीन चार पांच, यानी दस फंदे हो गए। अब इस वाले लूप में भी हम दो डबल क्रोशिया, अगले वाले लूप में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये एक दो तीन चार पांच छह सात, सात दूनी चौदह फंदे हो गए हमारे। अब हम इसको इस तरह से एक चैन लगा छोड़ देंगे यहाँ पर। अब हम इसको बनाएंगे, यहाँ पे हमारे छह फंदे, आठ फंदे हो गए, एक दो तीन चार, चार के डबल आठ हो गए। अब दो फंदों में, तीन फंदों में और बनाएंगे हम इसी तरह से। एक दो तीन चार पांच छह सात, इस तरह से बन के आ गया है। अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे इस तरह, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस चैन बना ली। अब इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे, ज्यादा लंबा धागा नहीं छोड़ेंगे, ऐसे टाइट कर देंगे यहाँ से। अब दूसरी साइड भी इस वाले से एक चैन हमने बना ली थी, अब हम यहाँ पर उन्नीस चैन और बनाएंगे, टोटल हम यहाँ पर बीस चैन बनाएंगे। एक दो और ये बीस। अब इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से हमारी राखी बनकर आ गई है। ये राखी भी मैंने उसी तरह से बनाई थी, इसके ऊपर आप फैब्रिक ग्लू से इस तरह से स्टोन या मोती सितारे कुछ भी आप चिपका सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया है और ये बिना डेकोरेट करे है, ये देख सकते हैं बहुत प्यारी सी राखी बनकर तैयार है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।